हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक रहेगा आपका हाउ टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ जीनोमिक डीएनए, यानी कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं किसी भी जीनोमिक डीएनए के तो कैसे निकालोगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगी जो कि 2015 दिसंबर के अंदर पूछा गया है। ओके, इसी क्वेश्चन को लेकर के हम अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था वो आपका। देखो, द जीनोम ऑफ बैक्टीरियम इज़ कम्पोज ऑफ ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ 10^9 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि एक जीनोम है बैक्टीरियम डीएनए का जो कि सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको इतना लॉन्ग है, 10^9 बेस पेयर लॉन्ग है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ जीनोमिक डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। भाई, जो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया भी क्या है कि कंसिडर कीजिए एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6 × 10^23। ओके, अब देखो इन्होंने कितना हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, भर भर के हिंट दे दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे, देखो मोल्स इक्वल टू होता है आपका एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ महान तो ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, 6 × 10^23 लिख के आ जाएंगे वहाँ पे। पर भाई सुन तो लो पूरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। देखो 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए यहाँ पे बोला है। ओके, यानी कि 1 मोल के अंदर 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के। और उन्होंने क्या बोला कि उनके पास जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर आप मोल निकाल के दिखाइए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोल को नीचे लेके आना पड़ेगा। जो ये वैल्यू दी गई है ना 6 × 10^23, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। सो 1 डीएनए मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा, 1 × 6 × 10^23, यानी कि 1/6 × 10^23। तो आंसर क्या आएगा, 1/6 × 10^23। माइनस के 23, जब 10 के 23 नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में तो हो ही जाएंगे ना, तो 1/6 × 10^23 मोल्स आपका आंसर रहेगा। ओके, सो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जिसमें आपका दिया गया था 1/6 × 10^-23। तो उन महान हस्तियों की तरह मत बनिए जो कि डी ऑप्शन लगा के आए हैं और इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। ओके, कॉन्सेप्ट को समझिए। और बहुत इजी था भाई, बहुत ज़्यादा इजी था। सिर्फ यही तो बोला था भाई, मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने के लिए बोला था। मॉलिक्यूल तो उन्होंने दे रखा है, उन्होंने निकाल के रख दिया भाई, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। भाई जब मॉलिक्यूल दे रखा है तो मोल्स कैसे निकालोगे उसके, उसको 1/4 में लेके ही तो आओगे। ठीक है, तो यही तो करना था, तो 2 नंबर नहीं गवा दिए। तो चलिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपका। ओके, तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, सीख भी गए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन्स ऐसे ही पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इतने ज़्यादा महान हैं, बहुत 90-95% लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब करे वीडियोज़ देख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।